wanna get to your clothes, gotta get it. What's up guys, welcome back to Tech Store, my channel, and here is a new video on top 10 best Android apps of February 2019. और इस मंथली वीडियो सीरीज में भी हमने काफी सारे नए इंटरेस्टिंग और यूजफुल ऐप कंपाइल करे हैं, सो आई एम श्योर आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऐप हमारी लिस्ट में वो है एज मास. और एज मास एक यूनिक नोटिफिकेशन डिजाइन ऐप है जो आपके ओल्ड नोटिफिकेशन पॉपअप को एक यूनिक लुक देता है. मतलब कि आपको अब कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में शो होगा. इस ऐप में आपको 5 नोटिफिकेशन पॉपअप डिजाइन मिल जाती है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ कस्टमाइजेशन सेटिंग्स मिल जाती है, और इसमें आपको सैमसंग एज लाइटनिंग इफेक्ट फीचर भी मिल जाता है जो कि नोटिफिकेशन आने पे बहुत अच्छी कलरफुल लाइट ब्लिंक होती है स्क्रीन के कॉर्नर पे. काफी अच्छा ऐप है नोटिफिकेशन पॉपअप को कस्टमाइज करने के लिए, एक बार जरूर ट्राई करना. नेक्स्ट ऐप है डोव वॉल्स. और ये एक वॉलपेपर ऐप है जिसमें आपको हैंड पिक्ड हाई क्वालिटी वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जो हमारी होम स्क्रीन को एक परफेक्ट स्टनिंग लुक देंगे. इसमें आपको डेली फीचर्स वॉलपेपर सेक्शन मिल जाते हैं, कैटेगरीज मिल जाती है काफी सारे वॉलपेपर्स की, आप कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो. इसमें इवन पोर्ट्रेट, स्क्वायर, स्क्रोलिंग वॉलपेपर जैसे सेक्शन भी मिल जाते हैं. काफी अच्छा वॉलपेपर का कलेक्शन है इसमें, एक बार जरूर ट्राई करना. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऐप है लाइव ट्रांसक्रिप्ट. तो रिसेंटली गूगल ने अपना नया ऐप लाइव ट्रांसक्रिप्ट लॉन्च कर दिया है प्ले स्टोर में. और ये ऐप रियल टाइम स्पीच या कॉन्वर्जेशन को ट्रांसक्रिप्ट करता है टेक्स्ट में. आप जो भी बोलोगे या सामने वाला जो भी बात बोल रहा है आपसे वो ट्रांसक्रिप्ट होकर टेक्स्ट में लिखा जाएगा. ओवर 70 लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये. और ये ऐप उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो सुन नहीं सकते या जिन्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है, वो इसमें पढ़कर सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ सकते हैं, इजीली लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं इसमें. और मैंने भी इसे ट्राई करके देखा है, काफी एक्यूरेट है ये. अगला ऐप है मूव. यार तुम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज तो शेयर करते ही होंगे, बट वही नॉर्मल सब लोगों की तरह सिंपल फोटो डाल के या उस पे स्टिकर लगा के शेयर कर देते हो. बट मूव ऐप यूज करके हम अपनी स्टोरीज को बहुत कूल बना सकते हैं. इस ऐप में आपको एनिमेटेड टेम्पलेट्स मिल जाती है जिसमें हमें अपनी फोटो और टेक्स्ट डालना रहता है बस, फिर ये उसे एनिमेट कर देता है जो कि बहुत कूल दिखता है बनने के बाद. इसमें आपको 20+ टेम्पलेट्स मिल जाती है, आप कोई भी चूज कर सकते हो. इस ऐप में आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना है और अभी के लिए तो ये बिल्कुल फ्री है. नेक्स्ट ऐप है बैटरी चार्जिंग एनिमेशन. बेसिकली इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो एक कस्टम चार्जिंग एनिमेशन शो होगा नेविगेशन बार के ऊपर जो कि बहुत ही कूल दिखता है. इसमें आपको काफी सारे कस्टम एनिमेशन मिल जाएंगे जिसमें से आप कोई भी सेट कर सकते हो और उस एनिमेशन का साइज, पोजिशन, लेवल, ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हो. इवन इस ऐप में चार्जिंग अलार्म जैसे फीचर भी मिल जाते हैं ताकि फोन चार्ज होने पे ऑटोमेटिक अलार्म बज जाए. नेक्स्ट ऐप है आर्टिस्ट ओवरले. और आर्टिस्ट ओवरले एक फोटो एडिटिंग ऐप है जिसमें आपको पावरफुल प्रोफेशनल टूल मिल जाते हैं फोटो एडिट करने के लिए, जैसे काफी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं और आप उन फिल्टर्स की इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकते हो. बेसिक एडजस्टमेंट टूल मिल जाते हैं, सेल्फी रिटचिंग टूल, क्विक पिक्चर कोलाज, फ्लेक्सिबल कोट मेकर और भी काफी सारे फीचर मिल जाते हैं. और डेवलपर ने इसे काफी सिंपल, पावरफुल और बंच ऑफ फीचर ऐड करके बनाया है. नेक्स्ट ऐप है न्यूटन मेल. आप लोगों ने न्यूटन मेल का नाम तो सुना ही होगा. तो न्यूटन मेल एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ईमेल ऐप है जिसमें आपको रीड, रिसीव्ड, सेंड लेटर, अनडू सेंड जैसे फीचर मिल जाते हैं जो कि हमें बहुत कम ईमेल ऐप में ऐसे फीचर मिलते हैं. और रीड रिसीव फीचर तो मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि हमें इससे ये पता चल जाता है कि सामने वाले ने हमारा मेल पढ़ा या नहीं. अगर उसने हमारा मेल पढ़ लिया तो ब्लू टिक आ जाएगा इसमें, और अगर नहीं पढ़ा तो डबल टिक ही रहेगा. और न्यूटन मेल मैक्सिमम सभी ईमेल अकाउंट सपोर्ट करता है जैसे जीमेल, याहू, हॉटमेल और भी कई सारे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऐप है वनकट. और वनकट एक वीडियो एडिटिंग ऐप है जिसमें आप मल्टीपल क्लिप को ऐड करके उन्हें एडिट कर सकते हो. और इस वीडियो एडिटिंग ऐप में वो सारे बेसिक टूल मिल जाते हैं जो हमें एक वीडियो एडिट करने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे वीडियो को कहीं से भी कट करके ज्वाइन कर सकते हो, फिल्टर ऐड कर सकते हो, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर, इवन एंटी शेक जैसे फीचर भी मिल जाते हैं, ट्रांजिशन डाल सकते हो दो वीडियो क्लिप के बीच में जिससे वीडियो और प्रोफेशनल बन जाता है. और हाँ, इसमें डाउनसाइड मुझे यही लगा कि ये सिर्फ अभी 720p क्वालिटी में ही वीडियो सपोर्ट करता है, हो सकता है आने वाले अपडेट में 1080p भी सपोर्ट करे.
नेक्स्ट ऐप है मीम जनरेटर। काफी लोग सोचते हैं कि मीम्स कैसे बनते हैं या कोई इमेज पे टेक्स्ट या फनी सा स्टिकर कैसे लगाते हैं, तो मीम जनरेटर ऐप की हेल्प से आप काफी अच्छे मीम्स बना सकते हैं। इवन इसमें आपको 1000 से भी ज्यादा मीम टेम्पलेट मिल जाती है जिसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट रिप्लेस करना रहता है, या कस्टम मीम्स बना सकते हो जिसमें आप अपनी कोई इमेज पे टेक्स्ट लिख सकते हो और फनी सा स्टिकर लगा सकते हो, और इसमें मीम बनने के बाद उस पर कोई वाटरमार्क भी नहीं आता है, और ये भी बिल्कुल फ्री ऐप है प्ले स्टोर में। लास्ट बट नॉट लीस्ट एप्टाइल। बेसिकली एप्टाइल आपके नोटिफिकेशन पैनल में एप्स के शॉर्टकट डालने में हेल्प करता है ताकि आप उस ऐप को नोटिफिकेशन पैनल से भी ओपन कर सको, और ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिन्हें ऐप ड्रॉवर ओपन नहीं करना है, सिर्फ क्विक टॉगल से ही अपने ऐप को ओपन करना है। और आप मैक्सिमम इसमें 6 एप्स के शॉर्टकट ही ऐड कर सकते हो नोटिफिकेशन पैनल में, और ये 6 एप्टाइल भी बहुत होती है। अगर उससे ज्यादा हम ऐड करेंगे तो अलग सा मैसी हो जाएगा हमारा नोटिफिकेशन पैनल। Okay guys, that's it for today. Hope you enjoy our video. And if you like our video, so please smash the like button. And please subscribe our YouTube channel for more awesome content. Thanks for watching. Have a nice day.